हेलो गाइस, हम लोग जाने वाले हैं आज दिल्ली। तो मैंने आपको पहले भी नोटिस में बताया था कि सबसे पहले हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, फिर हरियाणा और पंजाब जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं अब दिल्ली और अभी हम लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहीं से मेट्रो करके हम अपनी मासी के घर बदरपुर स्टेशन जाएंगे। गाइस, हम लोग आ चुके हैं डे वन में। हम लोग पहुँचे हैं सेंटर सेक्रेटरियल में और यहाँ हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाने वाले हैं। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट, शहीद स्मारक, दिल्ली नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर और उग्रसेन की बावड़ी। ये देखिए गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पास जाकर के इंडिया गेट को देखने को नहीं मिला, जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था एरिया वो। तो हमने दूर से ही देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। पर गाइस, ये इंडिया गेट कितनी खूबसूरत है। अब हम लोग आ चुके हैं शहीद स्मारक, जिसमें ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हर एक ईंटों पे हर एक शहीद, वो अमर जवान जो हमारे मातृभूमि के लिए अपने जान का न्यौछावर किए हैं, वो सारे एक एक शहीदों के नाम इन दीवारों पे, इन ईंट पे लिखे हैं। यहाँ आकर के सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदर मन को एक शांति मिला। गाइस, वो जो पेड़ के पीछे कोई बिल्डिंग है ना, वो हमारा पार्लियामेंट है। वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता जिसे है, जिसे हिंदी में हम संसद भवन भी कहते हैं। पार्लियामेंट के सामने ही एक सुंदर सा गार्डन है, जिसमें हम लोग ने बहुत मस्ती किया। बहुत सुंदर गार्डन था, जिसमें घास लगे हुए थे, उसमें बहुत सॉफ्ट घास लगे हुए थे। लग रहा था किसी जन्नत में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम वो रोड पे खड़े हैं जहाँ पे हमें प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस दोनों ही दूर से अच्छी तरह से दिख रही हैं। फ्रेंड्स, हम लोग घर से लगभग 9:30 बजे निकल चुके थे और फिर हम लोगों ने अपना ज़्यादा टाइम प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस और इंडिया गेट और शहीद स्मारक को घूमने में अपना टाइम स्पेंड करा। और फिर हम अब आ जाते हैं गांधी स्मृति। यहाँ पे आपको गांधी जी से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड एक एक चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब मीन्स जब हम वो मेमोरियल में अंदर घुसे तो सब कुछ वाइट वाइट था और गांधी जी का पहचान भी वाइट वाइट रंग को वो बहुत पसंद करते थे, जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। अब आ चुके हैं गांधी जी के उस चरण पादुका की तरफ, जो कहा जाता है कि वो वहाँ भ्रमण करने शाम को आया करते थे और अपनी मृत्यु के कुछ मोमेंट पहले भी वो यहाँ पे आए थे। ये देखिए, उनके चरण पादुका को कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। अंदर हमें वीडियो बनाना मना था, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करे, बट आप जो है उसमें देख लीजिए। देखिए गाइस, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर उनके बालों में बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, उनकी तस्वीर है, न्यूज़पेपर्स के कट हैं और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक का फोटोज हैं और भी बहुत सारे कुछ हैं। उनका कपड़ा था और ये बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं उनका। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कितना सुंदर जगह है ये। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसे घूमने के लिए, देखिए। और ये सब बहुत सारे उनके कीमती सामान रखे हुए हैं अभी तक, एकदम संभाल कर। अभी तक मुझे यकीन नहीं होता है कि इतने तरीके से इनको संभाल के रखा गया है। फ्रेंड, सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ इनके बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, पूजा रूम, यहाँ सब कुछ उस वक्त तरह से हूबहू दिखाया गया है जो उस समय में वैसा था। इनके सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, ये सब कुछ को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से संजो करके रख के बहुत अच्छे से हमें प्रेजेंट करा है। और
कैसे मिले, कहाँ मिले, वो सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में अनसीन पिक्चर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ इनके करियर और फिर इलेक्शन रिलेटेड लाइफस्टाइल, फिर उनके मैरिज और यहाँ तक कि उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी बहुत सारे अनसीन पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इनके इलेक्शन से रिलेटेड उस टाइम के पिक्स हैं, मेडल्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए वो जो ड्रेस और शूज़ आपको देखने को मिल रहा है वो राजीव गांधी के आखिरी पलों का उनका वो ड्रेस है जो आज भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं उस ओर जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी अपनी आखिरी सांस लेने से पहले यहाँ पे कुछ मिनट वॉक की थी। गाइस, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली नेशनल म्यूजियम और ये एकदम झकास जगह है, ये एक बार विजिट करिएगा ना, मन तो फूल फूल हो जाएगा। मैं तो घूम के एकदम प्रसन्न हो गया ऐसे जगह पर, मन तो करता हूँ बार बार आते रहूँ, बार बार आते रहूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हमारे कल्चर से रिलेटेड, आपको सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही कुछ एंशिएंट स्टैचू और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपके नॉलेज को बहुत ही इंक्रीज करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इतना बड़ा ये म्यूज़ियम था, इतने सारे यहाँ पे कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट के अंदर इतने सारे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी फ्रेंड की, उतने सारे चीज़ों को बस एक छोटे से वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल था। बट जहाँ तक हमसे हुआ, हमने रूम का जो भी व्यू था, अट्रैक्टिव व्यू, हमने इस फ़ोन में कैप्चर कर लिया और रियली में ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ म्यूज़ियम के एंट्री के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, आप फ्री का इतने अच्छे जगह पे जा सकते हो और काफ़ी सारे नॉलेज को एक साथ कलेक्ट कर सकते हो। हेलो गाइस, हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पुराने जमाने के पेंटिंग्स कैसे दिखते थे, दीवारों पर दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको रखा जा रहा है, अच्छे तरीके से देखे जा रहे हैं। आप अगर चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स है। इस म्यूज़ियम की सबसे स्पेशल बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ भी यहाँ के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। ये देखिए, ये है टेक्सटाइल कंपार्टमेंट जहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड कई तरह के टेक्सटाइल वर्क, डिज़ाइन, साड़ीज, ओढ़नी कैसा हुआ करते थे, कैसे डिज़ाइंड हुआ करते थे, वो सबको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस जिसे विजिट करने के लिए मैं बहुत ही देर से एक्साइटेड थी जब वो ऑटो वाले अंकल ने कहा था कि हमें उग्रसेन की बावड़ी जाना है। उग्रसेन की बावड़ी का नाम सुनते ही मुझे लगा कि ये कोई किला है या क्या है, मुझे समझ नहीं आया। इतना ज़रूर पता था कि ये हिस्टोरिक प्लेस है बट क्या है ये नहीं। एक बहुत ही सुंदर है और ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में ये पानी स्टोर करने के लिए रखा जाता था। गाइस, हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर और ये बहुत ही थोड़ी सी अजीब देखने में लगी होगी पर अच्छी है, मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों की कलाकारी कितनी बढ़िया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अलग लगना या अजीब दिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक एक बिल्डिंग को इतनी अच्छी तरीके से नकाशा गया है
मतलब हर एक बिल्डिंग पे आपको यहाँ पे, मतलब बिल्डिंग नहीं कह सकते, एक तरह से मॉन्यूमेंट है जिसमें आपको सीढ़ियों का आर्ट्स देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, डे टू को हमने सिर्फ और सिर्फ अपने डिवोटी को डिवोट करने के लिए रखा और अक्षरधाम टेम्पल को बहुत ही अच्छी तरह से घूमा। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। सो थैंक यू, बाय।